प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 5 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर से डिनोट करते हैं इसको। तो जब हम किसी चालक के स्रो पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो जब हम किसी चालक के स्रो पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, अतः इनके मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होती है। इस अवरोध या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का जो मान होता है वो चालक की लंबाई के होता है समानुपाती, आर प्रोपोर्शनल टू होता है एल, और चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है व्यतिकर्मानुपाती। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 / 2 से दोनों को एक साथ कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल टू आएगा एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और आर बराबर आएगा रो एल अपॉन ए। ये आ जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहाँ रो बराबर चालक की प्रतिरोधकता। अब जो आर का मान होता है ये लंबाई और क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, आर का मान अर्थात लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो तो एल और ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम आ जाते हैं रो के ऊपर, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से रो बराबर आएगा आर ए अपॉन एल, ये आएगा अपने पास। तो यदि एल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर² हो तो, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, हो तो समीकरण 3 से रो बराबर आएगा आर, रो बराबर आर, इसका मतलब ये हुआ अर्थात एकांक लंबाई वाले व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। अब जो प्रतिरोध होता है इसकी जो खोज की थी, इसके बारे में जो बताया था वो ओम ने बताया था। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ये इसका संकेत है। अब यहाँ से रो बराबर ही आया, अब इसका मात्रक निकालना अपने रो का, प्रतिरोधकता का। तो यहाँ देखो प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर, ये इसका वो आ जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, ओम इंटू मीटर, ये प्रतिरोध का मात्रक बनेगा अपने पास। ये इसके बाद देखो अपन ने क्या करना है, अब रो का जो मान होता है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ए और एल के ऊपर केवल कौन डिपेंड करता है, आर का मान। देखो अब इस जो आर है इसका मान डिपेंड करता है एल और ए के ऊपर, आर का मान डिपेंड करता है एल और ए के ऊपर, लेकिन जो रो है रो का मान डिपेंड नहीं करता एल और ए के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो रो का जो मान डिपेंड करता है वो चालक पदार्थ की प्रकृति, रो का जो मान है वो चालक पदार्थ की प्रकृति उसके आसपास के वातावरण, मतलब चालक पदार्थ के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा जो रोक का मान अपने पास है, और प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करेगा अपने पास ही। मैन तो चालक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, और आसपास के वातावरण का मतलब ताप पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, इनके ऊपर डिपेंड करता है रोक का मान अपने पास।
ये है अपने पास, तो यहाँ से देखिए जैसे एक पर्सन है अपने पास, यदि 4 लाख की लंबाई 5 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो तो यदि है, यदि 4 लाख की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपने पास, तो देखो सबसे पहले सवाल आता है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का जो मान है वो समानुपाती होता है L के, यदि लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, दुगुना, आर का मान भी दोगुना हो जाएगा अपने पास, यदि लंबाई दुगुनी कर दी अपन ने तो आर का मान भी दोगुना हो जाएगा अपने पास। अब दूसरा सवाल इसमें प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता रोक के मान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने पास, ये है अपने पास। तो जो प्रतिरोधकता है अपने पास ये एल और एक के मान के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो लंबाई चाहे दुगुनी करो चाहे क्षेत्रफल दुगुना आधा करो, रोक के मान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा रोक के मान के ऊपर। तो ये एक नंबर का सवाल आता है इस टाइप का, प्लस थर्ड बोर्ड में, तो ये पढ़ना है आपने। अब जो हमारे पास ओम नियम है इसमें दो प्रकार के चालक पाए जाते हैं, ओम नियम के अंदर हम जो चालक लेते हैं उन चालक की टू टाइप्स होती है, एक होता है ओमीय चालक और एक होता है अनओमीय चालक। ओम के नियम के अंदर हम जो चालक लेते हैं उस चालक की दो नेचर होती है, एक होती है ओमीय चालक एक होती है अनओमीय चालक। तो ओमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, उन्हें ओमीय चालक कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ओम के नियम का, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ओम के नियम का पालन करती है। फिर आता है अपने पास अनोमीय चालक, तो अनोमीय चालक वो चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिनके लिए वी आई वक्र सीधा आए, ये भी यहाँ पर आई, जिनके लिए वी आई वक्र सीधा आए वो तो ओमीय चालक, और जिनके लिए वी आई वक्र सीधा ना आए, टेढ़ा मेढ़ा आए चाहे कैसा भी आए, सीधी लाइन ना आए, तो वो होते हैं अनोमीय चालक। जैसे विद्युत बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड और विद्युत अपघटनी द्रव, ये तो विभिन्न की आकृति ऐसे होती है, ये यहाँ पे V, यहाँ पर I, तो ये तो संकेत है विद्युत बल्ब का, लाइन सीधी नहीं है ऐसे मुड़ रही है, तो ये तो विद्युत बल्ब, ये बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे V, यहाँ पर I, तो ये बन जाएगा ट्रांजिस्टर। और अब देखिए ये बनाएंगे ऐसे, तो ये बनेगा अपने पास
डायोड का, और अभी ये बनाएंगे अपन का तो ये बनेगा अपने पास विद्युत अपघटनीय द्रव। तो ये चार प्रकार की आकृति अपने पास, तो ये अनोमी चालक होते हैं सारे, उनके लिए जो भी एक वक्र आता है सीधा नहीं आता कभी भी अपने पास। तो ये अपने पास ओमी चालक अनोमी चालक। तो ओमी चालक तो वो होते हैं जो उनके नियम का पालन करते हैं, और अनोमी चालक वो होते हैं जो उनके नियम का पालन नहीं करते। ये अपने पास, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है चालकता सिग्मा। तो जो चालकता होती है, प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को ही चालकता कहते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ये रो होती प्रतिरोधकता, सिग्मा होती चालकता, प्रतिरोधकता के व्यतिक्रम को ही चालकता कहते हैं। तो रो का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। तो सिग्मा का मात्रक 1/ρ इंटू मीटर, ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या इसका दूसरा मात्रक होता है सीमेन मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है अपने पास। फिर आपका था अपने पास चालकत्व। जी, तो चालकत्व का मतलब ये होता है अपने पास कि प्रतिरोध के व्यतिक्रम को ही, प्रतिरोध के व्यतिक्रम को ही चालकत्व कहते हैं, अर्थात जी बराबर होता है 1/r। ये प्रतिरोध के व्यतिक्रम को ही चालकत्व कहते हैं, जी बराबर होता है 1/r। ये होता है अपने पास। अभी आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, तो जी का मात्रक बनेगा 1/ ओम या ओम इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा ओम इनवर्स। तो ये है अपने पास। इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध का जो संयोजन है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ये होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं सीरीज। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज। समांतर का दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम संयोजन। अब हम चलते हैं पहले वाला पढ़ते हैं अपन। पहले वाला पढ़ते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन, इसके ऊपर स्टडी करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास ये तीन प्रतिरोध है, ये है आर वन, और इस पर जो तीन रेजिस्टेंस बना लेते हैं अपन, ये आर टू और ये अपने पास आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री। ये है बैटरी, ये है कुंजी,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब यहाँ से धारा आएगी इसमें, तो धारा आएगी तो यहाँ पर तीन भागों में बट जाएगी, ये I1, ये I2 और ये I3, यहाँ पे वोल्टेज V, V और V, ये अपने पास ये, तो ये अब हमने इसकी परिभाषा बनानी है समांतर क्रम संयोजन की। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान तथा प्रवाहित धारा का मान अलग अलग हो, ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये बैटरी लगा रखी, बैटरी से धारा निकली तीन भागों में बट की, तो इस स्थिति में हमने कुल धारा का मान निकालना है, कुल धारा कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। तो हम इस स्थिति में निकालेंगे I=I1+I2+I3, ये समीकरण नंबर एक मान लिया अपन। तो हम ओम के नियम के अनुसार चलते हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए तो V=I1R1, तो I1 बराबर आएगा V/R1, इसी प्रकार I2 बराबर कितना आएगा V/R2, और I3 बराबर आएगा V/R3, ये आ जाएगा अपने पास। तो I1 I2 बाय I3 के मान समीकरण एक में रखने पर, तो I=R1 V/R2 V/R3, तो I=R आएगा V/R1 1/R2 1/R3, ये समीकरण नंबर दो। अब हम ऐसा मान लेते हैं यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो I=R आएगा V/R, ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2/3 से तो V/R बराबर आएगा V/R1 1/R2 और 1/R3, ये कट जाएगा। तो 1/R बराबर आएगा 1/R1 1/R2 1/R3, ये आ जाएगा अपने पास। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात प्रतिरोध का, अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। और ये तो तीन रेजिस्टेंस जुड़ेंगे अपने पास, और यदि इस संयोजन में, इस संयोजन में स्मॉल एन, यदि इस संयोजन में स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हों तो 1/R बराबर आएगा 1/R1 1/R2 एंड सोन 1/R, ये आ जाएगा अपने पास। 1/R1 1/R2 एंड सोन 1/Rn, ये आ जाएगा अपने पास। ये इसके बाद यदि R1 बराबर R2 एंड सोन बराबर Rn हो तो 1/R बराबर रहेगा N/R1, ये सारे बराबर मान लीजिए, सभी रेजिस्टेंस का मान वैल्यू आपस में बराबर है, तो R1 की जगह R रख दो, R2 जगह R1 रख दो, मतलब एक बना लो, या तो हर जगह R1 है, हर जगह R2 या हर जगह Rn, और R बराबर आएगा R1/N, ये अपने पास। तो R बराबर आ जाएगा R1/N, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये अपने पास आ जाएगा, तो ये प्रतिरोधों का संयोजन था अपने पास समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो अपन कल की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही बस। तो इन वीडियो को आप बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिए इजी बन जाएगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए।